डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। कल बेसिक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस किया था। उसी पे आपका है कि अगर कोई बॉडी है, मान लो कंप्लीट बॉडी है, डिस्क है, स्फीयर है, समथिंग जो भी है फिक्स शेप का, अगर उसमें कुछ ही पार्ट को कट करके बाहर निकाल दिया जाए, बेटा रिमूव कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर पोजीशन आप निकालते हो सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, कब बेटा? आफ्टर रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी। आपने लिखा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर किसी पार्ट को, उसके हम बॉडी के किसी पार्ट को बेटा रिमूव कर देते हैं, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो हमने कंसिडर किया बेटा कि कोई बॉडी है, मान लो डिस्क, सपोज दैट मेन लीजिए क्वेश्चन अपने यहाँ पुटअप होता है और डिस्क पे होता है, हम लोग डिस्क को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मेन लीजिए इस पे क्वेश्चन आपको पुटअप किया जाता है वो डिस्क पे किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्क को ही डिस्कस कर लेते हैं, डिस्क को लेके ही। अगर बाय द वे ऐसा सेम क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको इजी हो जाएगा। तो देखो ये डिस्क है, सपोज दैट ये डिस्क है, इसकी रेडियस बेटा आर है। आर रेडियस का आपने एक डिस्क ले लिया, ठीक है, रेडियाई आपकी कितनी है, आर है। आर रेडियस का आपने एक डिस्क लिया, इसको किसी साइड से आपने मान लिया, टोटल मास अगर हमारा कैपिटल एम है, मास की वैल्यू कितनी है, या तो एम1 लेंगे, पहले जो मास है जब तक आपने इसको क्या रिमूव नहीं किया है तो उसमें मास आपका एम1 है। यहाँ से हमने क्या किया, आप मान लो तो दूसरा आपका एक स्मॉलर पार्ट कट करके इसको रिमूव कर दिया, इसका एक स्मॉलर पार्ट जो है यहाँ से हमने कट किया। अब ये पार्ट कुछ भी हो सकता है बेटा, जो भी है, जितनी भी साइज का रहेगा वो आपको साइज दिया रहेगा। हमने ये सपोज किया, इस तरह से एक पार्ट हमने इसका कट करके रिमूव कर दिया। ठीक है, कट करके क्या किया आपने बेटा, रिमूव कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोगों ने क्या लिया था बेटा, पूरा पार्ट था, अभी हमने कट नहीं किया था, कट नहीं किया था, तो उस केस में आपका मास, आपका मान लो M1 है, कट करने के बाद आपका मास जो हो गया वो M2 हो गया, मास क्या हो गया आपका, M2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो R1 और R2 है उनकी रेडियाई है, पोजिशन आपका है, जब आपका क्या पहले कंडीशन में जब बिना कट किए जो पोजिशन थी, और अभी करंट कंडीशन में जो आपका है रेडियस, मतलब कट पार्ट के जो रेडियाई है, और जो इनिशियल हमारे रेडियस लिया था R1 ले लिया एक का बेटा, दूसरे का हम लोगों ने क्या ले लिया, R2 ले लिया। एक का रेडियस हमने R1 लिया, दूसरे का रेडियस क्या ले लिया बेटा आपने, R2 ले लिया। तो ये कंडीशन आपका होता है, तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग ले रहे हैं बेटा क्या, ये R1 जो है इसकी पूरी रेडियस है, सपोज दैट M1 मास लिया ना, इस ये सेंटर आपका इसका वो है बेटा, इसकी जो रेडियस आपने लिया बिगर जो आपका पहले ओरिजिनल सर्किल थी, इसकी आपने R1 ले लिया, और इसकी रेडियस की वैल्यू हम लोग बेटा R2 ले लेते हैं। R1 ले लिया, R2 ले लिया, टोटल जो मास आपका था वो m है, जो कट पार्ट है, जो कट पार्ट है यानी टोटल मास m था बेटा, ये टोटल जब था तो उस केस में आपका मास हमारा m था, और बाद में हमने क्या कर दिया, सर कट कर दिया, इसका जो मास ले रहे बेटा वो m, पहले m1 है, बाद में हमने क्या ले लिया, m2 ले लिया। इसकी रेडियस की वैल्यू R1 है, इसकी रेडियस की वैल्यू बेटा R2 है, जो कटिंग पार्ट है। तो बोला जाता है जब आप शिफ्ट करोगे, पहली बार हम कट करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर आगे डिस्कस करते हैं बेटा। देखो जब इसको कट करोगे यहाँ से ना, ये आपका पहले ओरिजिनल सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और यही आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पहले रही होगी जब तक हमने इसको कट नहीं किया है। जब तक कट नहीं किया था बेटा, तब तक उसके सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो डिस्क है, डिस्क की बेटा थिकनेस हर जगह सेम है, डिस्क की जो थिकनेस है वो हर जगह कैसा है आपका, सेम है। तो जब डिस्क की थिकनेस हर जगह सेम रहेगी बेटा, तो उस केस में क्या जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। तो पहले ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पे था, अभी हमने इस पार्ट को कट करके रिमूव किया। कट करके रिमूव करते हैं, दो कंडीशन होती है, या तो कट करके रिमूव कर दो, या तो एक स्मॉलर डिस्क ला के वहां पर उस पोजिशन पे आप रख दीजिए, उस पोजिशन पे आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब कंडीशन क्या बनता है, अगर हमने यहाँ पे जो कि जो मोस्टली क्वेश्चन हमें पुटअप किए जा रहे हैं वो कट करने पे ही हो रहा है, तो बेटा जब कट करेंगे ना, तो हमेशा उस केस में सेंटर ऑफ मास उस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, जो सेंटर ऑफ मास आपका होगा बेटा वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ना। ठीक है, जिधर जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी बेटा, उस डायरेक्शन में आपकी शिफ्ट होगी, उस डायरेक्शन में क्या होगी आपकी, शिफ्टिंग होगी। ठीक है, जिधर जाने पे आपका जो मास है आपका, जैसे ये सेंटर ऑफ मास है, इधर से कट कर दिया तो ये मास यहाँ पे घटा ना, जिस राइट साइड में हमारा मास की वैल्यू क्या हो रही है, इस साइड में आपकी मास की वैल्यू, मान लो इसको हमने ओ डैश ले लिया, इसकी जो रेडियस है, सेंटर है, इसको ओ डैश ले लिया, तो अब ओ डैश क्या कर, इसका सेंटर हो गया इस स्मॉलर पार्ट का, जब यहाँ से बेटा कट करेंगे, अब टोटल इस एरिया, इस साइड का जो मास हो गया हमारा, वो क्या किया, डिक्रीज किया। तो हमेशा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करता है बेटा, जिधर मास की वैल्यू हमारी क्या होती है,
जैसे इधर से कट किया तो सेंटर ऑफ मास ये यहाँ पे तब लाई करता था जब पूरा मास हमारा यहाँ पे क्या होता था, प्रेजेंट था, हमने कट नहीं किया था। अब कंडीशन क्या आ रही है, अगर आपने कट कर दिया, अगर आपने कट कर दिया तो कट करेंगे तो मास इधर ज्यादा है ना, इस साइड में हमारा ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास इधर ही शिफ्ट कर जाएगा बेटा। तो सेंटर ऑफ मास सपोज एट प्रेजेंट टाइम पे, अब इसकी जो पोजिशन है या लोकेशन है, यहाँ से यक्स डिस्टेंस हमारा सपोज एट या आर डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, सपोज एट ये हो गया। अब आर सेंटर ऑफ मास की पोजिशन, ये ओ डबल डैश ले लिया बेटा, या ओ लिया है, चलो इसको हमने पी ले लिया, ओ डैश ये पी पी पॉइंट हो गया। सपोज दैट अब पी पॉइंट पे पूरे सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास आपका लाई कर रहा है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना होता है बेटा सेंटर ऑफ मास जो आपका लाई कर रहा है, ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ मास है उसकी डिस्टेंस क्या आपकी होगी, ठीक, उसकी डिस्टेंस इस ओ से पी के बीच के जो सेपरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी वो पूछा जाता था। मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास पहला तो क्वेश्चन होता है किधर शिफ्ट करेगा, जो सेंटर ऑफ मास है किधर शिफ्ट करेगा और कितना शिफ्ट करेगा। तो याद रखेंगे हमेशा शिफ्ट उधर करेगा जिधर मास की वैल्यू ज्यादा होगी, मास की वैल्यू जिस साइड में आपकी ज्यादा होगी बेटा सेंटर ऑफ मास उसी साइड में शिफ्ट कर जाता है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि बेटा कितना शिफ्ट करेगा, तो कितना शिफ्ट करने के लिए हम फार्मूला बताए डायरेक्ट, वैसे हमारा जो मेथड होता है बेटा का करने के लिए जो मेथड आपका होता है पूरा, आप निकालेंगे स्कर्ट पार्ट का मास कितना होगा, ठीक है, टोटल मास कितना है, तो जो शिफ्टिंग हमारी आएगी तो हम पहले लिखते हैं टोटल मास इंटू क्या, उसकी टोटल रेडियस जो रेडियस थी हमारी, ठीक है, लिखेंगे। अगर मान लो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आर सेंटर ऑफ मास, अगर आर सेंटर ऑफ मास के वैल्यू हमें फाइंड करना है इसके लिए जो हम लोग कट कर रहे हैं तो उसके सेंटर ऑफ मास की पोजिशन अब क्या होगी, तो आर सेंटर ऑफ मास जब लिखते हैं एम वन आर वन माइनस एम टू आर टू अपान बेटा एम वन माइनस एम टू, ठीक है, तो लिखते हैं द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर रिमूवल, आफ्टर रिमूवल ये हो जाएगा बेटा आर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होगी एम वन आर वन माइनस एम टू इंटू आर टी आर टू अपॉन एम वन माइनस एम टू। एक रिलेशन हम लोग ये लिख लेते हैं बेटा, ये रिलेशन हमने बना लिया कि अगर आपका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की अभी न्यू पोजीशन क्या होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए एम वन आर वन, एम वन इनिशियल मास होल मास जब पूरा सिस्टम था, ठीक है, जब वहां से रिमूव नहीं किया था, एम वन वो टोटल मास है बेटा, आर वन जो है वो उसकी रेडियस है बिग बॉडी, यानी जब पूरा डिस्क था तो उसकी रेडियस जो बिगर क्या है आपका यहाँ पे क्या लिया डिस्क लिया उसकी रेडियस है। एम टू बेटा ये स्कर्ट पार्ट जो कट पार्ट हम कर रहे हैं कार निकाल रहे हैं यहाँ से रिमूव कर रहे हैं उसका मास हो गया बेटा, ठीक है, और आर टू जो है उसकी रेडियस है, उसकी क्या हो गई आपकी रेडियस हो गई जो हमारे कटिंग पार्ट की है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं क्या हुआ कैसे होगा, ये जो शिफ्टिंग हो रही किसकी वजह से हो रहा है, अगर ये यहाँ प्रेजेंट होता तो सेंटर ऑफ मास यही लाइक करता ना, ये बेटा जो शिफ्टिंग हो रही है ड्यू टू रिमूवल ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट के रिमूवल की वजह से हमारी शिफ्टिंग हो गई, जो हमारा शिफ्टिंग हो रहा है उसका जो रीजन है बेटा उस पार्ट के किसकी वजह से आपका हो रहा है, रिमूवल की वजह से हो रहा है, वो पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं इसकी वजह से हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो हो रही है वो चेंज हो रही है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो चेंज होने का रीजन है बेटा वो हम क्या कर रहे हैं इस पार्ट को रिमूव कर रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है, अगर इस पे कोई लाके ऐड कर दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास उसी साइड में शिफ्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास जिधर आप पुट करेंगे उसी साइड में क्या होगा आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे होगा क्या होगा, ठीक। अगर आपका एरिया दिया गया हो, क्योंकि डिस्क है बेटा तो डिस्क का जो है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जितना एरिया होगा उसी टाइम में उसका मास भी होगा, एरिया जो होगा उसी टाइम में क्या होगा आपका मास भी होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से एरिया के टर्म में लेते हैं, किसके टर्म में लेते हैं एरिया के टर्म में इसी क्वेश्चन को लिखा जाता है, तो यक सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जहाँ पे मास लिया है वहाँ पे आप आर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जहाँ पे आपने मास लिया है यहाँ पे आप एरिया ले लो, क्योंकि डेंसिटी देखो यहाँ पे भी मास लिखेंगे तो एरिया इंटू डेंसिटी एरिया इंटू डेंसिटी एरिया इंटू डेंसिटी एरिया इंटू डेंसिटी, तो एरिया सभी में कॉमन हो जाएगा, सॉरी डेंसिटी सभी में कॉमन हो जाएगा तो डेंसिटी टर्म हमारा कैंसिल हो जाता है तो बच जाएगा एरिया। आर करके इसी को दूसरा ही क्वेश्चन बना लेते हैं, अगर एरिया के टर्म में आपको दे दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आर सेंटर ऑफ मास होगा बेटा ए वन इंटू आर वन माइनस ए टू इंटू आर टू बाई ए वन माइनस ए टू। ए वन जो है बेटा टोटल
आपका क्या है, उसकी एरिया है जब आपने कट नहीं किया था, टोटल एरिया हो गया ए टू जो है कट पार्ट का एरिया है, आर वन आपको पहले बताया गया रेडियस ऑफ द बिगर क्या डिस्क, आर टू जो है रेडियस ऑफ द स्मॉलर डिस्क हो गया। तो यहाँ से हम लोग रख के बेटा वैल्यू क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं क्या हुआ कैसे होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये तो केसेज आपके हो गए, क्या होंगे कैसे होंगे यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। अगर इसी को हम लोग एक्स के टर्म में आपको दिया गया, जैसे कोऑर्डिनेट वैल्यू जो है एक्स वाई जेड के टर्म में दिया गया हो, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मान लो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कटिंग हो रही है, वाई के हो रही है, जेड के करस्पॉन्डिंग हो रहा है, इस टाइप पे अगर कोई टर्म्स आपको आता है तो वहां पे जब एक्स सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो एम वन सेम इसी पैटर्न पे। ठीक है, एम वन एक्स वन एम ठीक है माइनस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन माइनस एम टू, सेम इसी पैटर्न पे आप करेंगे तो आपका इन कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड एंड जेड कोऑर्डिनेट, एक्स कमा वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में हम लोग बात करते हैं एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट के टर्म में हम लोग बात करेंगे तो वहां पे आ जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास की जब वैल्यू निकालेंगे तो सेम इसी पैटर्न पे बेटा एम वन एक्स वन माइनस एम टू एक्स टू अपान हो जाएगा बेटा एम वन माइनस एम टू, एरिया के टर्म में लेंगे आर करके हो जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू अपान ए वन माइनस ए टू। ठीक है, वाई सेंटर ऑफ मास जब लिखेंगे तो आएगा बेटा ये क्या एम वन वाई वन माइनस एम टू वाई टू अपान एम वन माइनस एम टू, आर करके हो जाएगा, आर करके वैल्यू आएगी बेटा वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आएगा ए वन एरिया के टर्म मिलेंगे वाई वन माइनस ए टू वाई टू बाई ए वन माइनस ए टू। ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली जेड सेंटर ऑफ मास आप निकालोगे तो एम वन जेड वन माइनस एम टू इंटू जेड टू अपान अपान ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, ए एम वन माइनस एम टू एरिया के टर्म में लिख लेंगे तो जेड सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होगा बेटा ए वन जेड वन माइनस ए टू जेड टू अपान ए वन माइनस ए टू, ए वन माइनस क्या हो जाएगा ए टू। तो ये कंडीशन आपका होता है अगर एरिया के टर्म में लेंगे। ठीक है, मास के टर्म में लेंगे ये, एरिया के टर्म में ये, तो अलग अलग हम लोग ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो इस तरह से हमारा बन जाता है बेटा सारे के लिए मास और एरिया दोनों के टर्म में आपको वैल्यू जहां से आपको कैलकुलेट करना चाहेंगे वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अगर कहीं से हम कट करते हैं किसी पार्ट को तो कैसे होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा। ठीक, अब इसी पे क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जैसे डायग्राम हमने बना रखा है इसी डायग्राम के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, इसी डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। जरा देखो ये समझ गए भैया। ठीक, अगर किसी भी डिस्क से किसी स्पेयर से जो भी है अगर उसमें से कोई पार्ट आपने कट करके रिमूव कर दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर रिमेनिंग मास ज्यादा बचेगा, उस डायरेक्शन में बेटा शिफ्ट होता है जिधर हमारी जो रिमेनिंग मास की वैल्यू होती है वो लार्ज होती है। ठीक है, तो इतना तो याद रहेगा। तो ये केस आपके होते हैं क्या होंगे, किधर की तरफ शिफ्टिंग होगी, यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसके बेस पे हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कितना बचेगा क्या बचेगा वहां से आप दिखा देते हो। ठीक, अब क्वेश्चन को हम इसी को क्वेश्चन बना लेते हैं जो आपको दिया गया है, रिमूव कर दे बेटा। चलिए ये क्वेश्चन है, सपोज दैट हमने ठीक है आर वन की वैल्यू यहाँ पे ठीक है फाइंड करना है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, इसे क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, डिटरमाइन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आपको डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर कहाँ से, ओ से आपको डिस्टेंस निकालनी है एज शोन इन फिगर,
एज शोन इन फिगर। तो कैसे आपको इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा? देखो, अगर आपको यहाँ से दो चीज हम निकाल सकते हैं, या तो एरिया के टर्म में निकाल लो बेटा, या तो मास के टर्म में निकाल लो। मास के टर्म में भी मिल सकता है, एरिया के टर्म में भी निकल मिल सकता है, क्योंकि तो अगर मास के टर्म में रहेंगे तो एक स्टेप कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है। जैसे जो गिवन कंडीशन है हमारा, अगर हमने रेडियस जो है टोटल का जो है R1 की वैल्यू अगर हम R ले लें, तो R2 की वैल्यू देखो क्या है, ये इसके सेंटर को टच कर रहा है ना, इसका मतलब ये टोटल दूरी R होती है, तो ये वैल्यू हमारी R2 की वैल्यू बेटा R/2 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का जो रेडियस R2 है, ये बेटा R/2 आएगा। अगर हम लोग एरिया लेते हैं, एरिया के टर्म वाला इक्वेशन हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो एरिया की कंडीशन क्या होगा, एरिया टोटल एरिया A1 की वैल्यू A ले लो बेटा, तो A2 की जो वैल्यू आएगी, देखो A इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आपका A के बराबर है, तो दूसरा होगा पाई R/2 का क्या, R/2 का होल स्क्वायर हो गया बेटा। तो यहाँ से रखोगे, ये 2 है बाबू, R/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो R² / 4 यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू A है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा A/4 हो जाएगा। ठीक, अब उसी क्वेश्चन में हम वैल्यू यहाँ डाटा रख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आप डाटा रख दीजिए, तो जब डाटा रखेंगे तो देखो होता क्या है, हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना था, कि जो पोजीशन अभी न्यू पोजीशन आपका सेंटर ऑफ मास का होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ हमें डिसाइड करनी थी बेटा। देखो, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो सब्स्टिट्यूट करते समय क्या करेंगे आप, A1 R1 - A2 R2 / A1 - क्या हो जाएगा, A2। तो देखो, तो R सेंटर ऑफ मास आप निकालेंगे तो आएगा A1 R1 - A2 * R2 / A1 - A2। A1 - क्या लिख लिया बेटा हम लोगों ने, A2 ले लिया। A1 - क्या हो जाएगा हमारा, A2 के बराबर हो गया। ठीक है, देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सिम्बलाइज कर लिया कि अगर ओरिजिन से इधर के डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव लेते हैं, ओरिजिन से जो लेफ्ट के डिस्टेंसेज होंगे उसे आप क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, राइट के डिस्टेंसेज जो होंगे उसे पॉजिटिव लेंगे, और ऊपर जो डिस्टेंसेज होंगे उसे पॉजिटिव लेंगे, नीचे जो डिस्टेंसेज होंगे उसे हम निगेटिव लेंगे, यानी सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो, अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो ये सिचुएशन हमारा यहाँ पे जनरेट होता है बेटा। ठीक, तो केसेस क्या ले रहे हैं हम लोग क्या ले रहे हैं, देखो A1 की वैल्यू आपने A एज्यूम किया, R1 की वैल्यू हमने ने R लिया, -A2 की वैल्यू हो गई बेटा कितना, A2 की वैल्यू A/4 लिया आपने, ठीक, इनटू R2 की वैल्यू कितना है, R/2 है, R2 की वैल्यू R/ क्या है, 2 है, अपॉन A - A/4। ठीक, ये हुआ A into R - AR/ कितना, 8, अपान हो गया बेटा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 - हुई मतलब 3 A/4, इसका 8 हो गया बेटा, AR/ यहाँ पे 4 * 2 = 8 हो गया। यहाँ से ले लीजिए आप एलसीएम, यहाँ से ले लीजिए, तो कंडीशन क्या बनेगा हमारा, एक चीज रुक जाओ बेटा, एक चीज और हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, तब उसके बाद ही डाटा रखिए। एक फैक्टर और देख लीजिए कि हमें जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास की, जैसे मान लो हम लोग इसी के लिए हम लोग अगर फाइंड करना चाहते हैं, अगर पोजीशन हमें दे दिया जाए कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अभी क्या होगी, तो किधर होगी ये तो हमने पहले डिसाइड कर लिया, पहले आपने डिसाइड कर लिया कि जो आपका एरिया है, बाद में एरिया की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गई, 1/4 हो गई, रेडियस की वैल्यू आपने दिस ले लिया, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है अगर सेंटर के टर्म में लेंगे, सेंटर के टर्म में ही लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो होगी ओरिजिन के केस में, ओरिजिन के टर्म में लेते हैं तो वहाँ पे वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी। तो वहाँ पे जब आप इक्वेट करेंगे, वहाँ पे हमने मान लिया सपोज दैट हमारा कितना हुआ, यक्स की शिफ्टिंग हुई, ठीक है, या आर की शिफ्टिंग हुई, जिसके टर्म में लेना चाहते हो, तो पहले एरिया हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, बाद में एरिया हो गया था, पहले पाई आर स्क्वायर था, बाद में हो गया पाई आर स्क्वायर बाई कितना, 4, और जो सेपरेशन है, जो सेपरेशन आपने वहां से लिया, ठीक है, तो एक चीज आप इस टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, थोड़ा सा आपको यहाँ से कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, आसान कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा इजिली आप निकाल लेंगे, तो उससे आप कर लीजिए, जिससे आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आए, कंफ्यूजन ना होने पाए। जैसे कि हमने सपोज किया कि बाद में जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, बाद में जो हमारा सेंटर ऑफ किसकी मास की पोजीशन है, ठीक
ठीक है, वो थोड़ी सी हमारी चेंज हो रही बेटा। क्या हो रही है आपके? थोड़ी सी चेंज हो रही है। देखो बेटा, तो हम लोग कर रहे थे, एरिया हमने निकाल लिया बेटा, कट पार्ट का जो एरिया हो गया आपने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया आपका a/4। इनिशियल एरिया सपोज दैट टोटल हमने ए लिया था, मास के टर्म में लेंगे बेटा तो उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मास दिया गया है तो जो एरिया का रेशियो होगा वही उनके मास का भी रेशियो होता है, इसीलिए फार्मूले में हम एरिया को मास के टर्म में भी ले लेते हैं, ठीक है, या कह लो मास को एरिया के टर्म में ले लेते हैं, तो इंटरचेंज हम कर सकते हैं, रिलेशन हमारा और को आंसर दोनों वही आता है। अब एक चीज थोड़ा सा समझेंगे बेटा हम लोग, देखो जब तक ये कट नहीं किया था तो इसका सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होगी इसे ज्योमेट्रिक का सेंटर पे होगा, यानी इसी पोजीशन पे होगा। तो जब टोटल मास था ना, जब टोटल मास था तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था? इसको ऐसे करो, एक मिनट रुक जाओ बेटा, R1 R2 यहाँ ना दिखाओ डायग्राम में। R1 R2 जो है इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ओरिजिनली, जब तक उसको कट नहीं किया था, और जब कट करने के बाद सेकेंड बॉडी का जो है उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन आप लेंगे ना, तो पहले जब तक कट नहीं किया था तब तक तो सेंटर ऑफ मास इसका ओरिजिन पे था, यानी कि उसके लिए R1 की वैल्यू बेटा आपकी 0 हो जाएगी। उसके लिए R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। बाद में जब आपने कट कर दिया ना, तो कट कर दिया तो इस पार्ट को आप रिमूव कर रहे हो, ये पार्ट हमारा रिमूव हो रहा है। जिस पार्ट को रिमूव कर रहे हैं ना उसका देखो यहाँ से डिस्टेंस, ये आपने जो ये डिस्टेंस आपकी होगी, ये वैल्यू हमारी R/2 कितनी है? 2 के बराबर है। अगर रेडियस पूरे बॉडी का हमने R लिया है तो इसकी वैल्यू हमारी R/2 के बराबर होगी, यानी यहाँ पे R1 की जो वैल्यू लेंगे, R1 तब का आपका है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जब बेटा पूरी बॉडी हमारी कंप्लीट है, पूरा डिस्क था, तो उस केस में वो सेंटर पे ही लाई करेगा, तो R1 की वैल्यू आप 0 ले लेंगे, और R2 की जो वैल्यू है वो इस कट पार्ट का सेंटर ऑफ मास इस O के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है इसकी कितनी है? R/2 है बेटा, ठीक है। तो हम रखेंगे फार्मूले में, फार्मूला हमारा होता था R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हो जाएगा, R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू a1 r1 - a2 into r2 upon a1 - a2। देखो अब वैसे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उस दूसरे मेथड से जो है काफी लंबा हो जाता है बेटा, फिर वहां साइन वाइन कन्वेंशन पे हमारी दिक्कत आती है, यहाँ से आप डायरेक्ट कर लेंगे दिक्कत नहीं आएगा बेटा। तो a1 की वैल्यू आपने a एज्यूम किया, R1 की वैल्यू जब पूरा बॉडी पूरा पार्ट था तो उस केस में सेंटर ऑफ मास इसके क्या कहाँ पे लाई कर रहा था? O पे ही लाई कर रहा था, तो वहां पे उसकी डिस्टेंस जो हो गई वो 0 ले लेंगे हम लोग। माइनस a2 की वैल्यू निकाला बेटा a/4 है, R2 की वैल्यू यहाँ से जो डिस्टेंस आ रहा है वो R/2 है बेटा, R/2 है अपान, ठीक, A1 की वैल्यू आपने A लिया, A2 की वैल्यू a/4 लिया। ऊपर बचा बेटा हमारा देखो आ गया माइनस a into r अपान कितना 4 2 8, इसके पूरे का बाई आपका हो गया ठीक है 3a/4 कितना 4, 3a/4 ये आप इंटरचेंज कर लो बेटा, तो माइनस हो गया a into r, ये 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बेटा 3 into 8 into a, देखो कैंसिल क्या रहा है 4 2 8 a कैंसिल हो गया, तो RCM की जो वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से जो वैल्यू मिला है RCM का वैल्यू आएगा बेटा माइनस, बचा यहाँ पे R अपान हो गया आपका 3 2 6 माइनस R/6। तो अब सेंटर ऑफ मास जो है उसके ओरिजिनल पोजीशन से R/6 डिस्टेंस क्या हो रही है? लेफ्ट में। निगेटिव साइन आने का मतलब क्या हो गया आपका? लेफ्ट साइड में आपका शिफ्ट हो जाता है। तो इसके बेस पे हम लोग बेटा दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, इतनी बातें समझ में आ गई? तो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा कि आपकी पोजिशन कैसे शिफ्ट होगी क्या होगी, वहां से आप एक्यूरेट करके निकाल लीजिएगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? इस पर कई बार आपको क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट जो होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजीशन के बेस पे। एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप वेलोसिटी की बात करते हैं। एक पोजीशन पे हम लोग आओ कर लेते हैं बेटा, कि आपको अगर निकालना हो कि आपके सेंटर ऑफ मास की पोजिशन क्या होगी, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बनता है, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं अगला बेटा। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल,
100 ग्राम, टू हंड्रेड ग्राम और ये हो गया बेटा 400 ग्राम, ये दिया गया है आपको। जो इसकी इर्द लेंथ दी गई बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो आर्म लेंथ दिया गया है वो सारे का सारा मान लो अपने 20 सेंटीमीटर ले लो, 20 सेंटीमीटर आर्म लेंथ, 20 ये भी है बेटा, 20 ये भी, 20 ये भी सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पे है ए बी सी, ये मान लो एक्स एक्सिस हमारा है, कौन सा एक्सिस है, एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो फाइंड करना, फाइंड, ठीक है, एक्स एंड वाई सेंटर ऑफ मास फॉर गिवन सिस्टम, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेंटर ऑफ मास फॉर गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम के लिए एक्स और वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना बेटा, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसकी वैल्यू को हमें डिटरमाइन करनी है, क्या होंगे ये हमें डिसाइड करना है। जरा देखेंगे बेटा ऐसे क्वेश्चन, जब भी आपको एक्स वाई जेड निकालना हो ना, ठीक है, जहाँ कोऑर्डिनेट की बात आए, पहले आपका उनके वैल्यू डिटरमाइन कर लीजिए, उनके कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप डिटरमाइन कर लीजिए, उसके बेस पे ही हमें एक्स और एक्स वाई जेड सेंटर ऑफ मास आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है तो हम एक्स वाई ही ले रहे हैं, अगर जेड भी होता तो आप जेड की वैल्यू भी रखते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करनी पड़ेगी, यानी कि उनके कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है अलग अलग पार्टिकल की जो आपको दिया गया है उनको आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें कैसे करेंगे, जरा देखो बेटा, ये यहाँ से ये तो ओरिजिन हो गया हमारा, इसके लिए एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी, वाई की वैल्यू, ओरिजिन पे एक्स वाई जेड तीनों जीरो होता है, फिलहाल यहाँ दो ही की बात हो रही है एक्स एंड वाई की, तो एक्स और वाई हम दूसरे कलर से लिख देते हैं बेटा, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू भी जीरो है, वाई यानी कोऑर्डिनेट हमारी जो हो गए जीरो हो गए, आप इधर जाओगे तो एक्स मिलेगा, इधर जाएंगे तो हमें वाई मिलेगा बेटा, इधर हम चलें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखो 20 है और वाई की वैल्यू अभी भी एक्स एक्सिस पे खाली है, वाई में मूवमेंट नहीं हुआ, तो उसकी वैल्यू हमारे जीरो हो गई। तीसरा कंडीशन इसके लिए आपको निकालना, इसके लिए हमें निकालना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझनी होंगी, देखिए कैसे, इस पे आप एक परपेंडिकुलर एंगुलर बाइसेक्टर लगा दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये टोटल आपका 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये डिस्टेंस जो आपकी आएगी सेंटर से, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगी, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है बेटा, ये वैल्यू आपकी 20 है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, तो वाई वाली वैल्यू हमारी ये है, ये 20 नहीं रहेगा, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आपका होगा वाई कोऑर्डिनेट पे, वो वैल्यू हमारी रहेगी वाई की वैल्यू, ठीक है, इस किसके लिए, जो पार्टिकल हमारा ए पे है उसके लिए आपकी वाई की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर वैल्यू हमारी आएगी। अब निकालोगे कैसे, अगर मान लो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, सब लोग आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा बेटा, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होता है, अगर इसकी वैल्यू हमने एच ले लिया या आर ले लो बेटा या वाई ही ले लेते हैं, वाई है इसकी वैल्यू, तो वाई की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट हाइपरन्यूज का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं बेटा, 400 माइनस 100 दैट इज रूट 300 आ गया, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आप लिख सकते हो 300 को 100 इंटू 3 यानी 10√3, तो 10√3 सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पे, ये 10√3 सेंटीमीटर आपका आ रहा है इसकी वैल्यू, तो यहाँ हमारा जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे ऊपर वाला कोऑर्डिनेट, तो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट हमारा यही हो जाएगा, हम यही लिख देते हैं बेटा, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू जो हो रही है, एक्स की वैल्यू इधर देखो ये आएगी मिलेगी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 कमा वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10√3, ये वैल्यू हमारा कोऑर्डिनेट हो गया ए पे, पानी का कॉर्नर ए पे जो पार्टिकल है उसके लिए। तो पहला काम हमारा होता है जब भी आपको इस तरह से कोड निकालना होता है बेटा कि हम एक्स वाई और जेड को डिटरमाइन कर लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, फिर उसके बेस पर आगे की काम करते हैं, ठीक है। अब आंसर क्या चाहिए हमें, एक्स सेंटर ऑफ मास वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो देखो कैसे निकालेंगे, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, एक्स सेंटर ऑफ मास
ये आएगा आपका यक सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा क्या था यहाँ पे, देखो तीन पार्टिकल का सिस्टम है, ये जो आपको सिस्टम दिया गया थ्री पार्टिकल सिस्टम आपको गिवन है, पार्टिकल सिस्टम जो हमें दी गई हो कितनी है आपको, थ्री पार्टिकल सिस्टम आपको गिवन है, तो कंडीशन क्या लेंगे देखिए, जब यक सेंटर ऑफ मास करेंगे बेटा तो लिखेंगे एम वन एक्स वन प्लस बेटा एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री इंटू एक्स थ्री बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। इस वाले को हमने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, एम वन मान लिया, एम टू मान लिया, एम थ्री मान लिया, ठीक है। तो एम वन के लिए देखो एम वन की वैल्यू आपको 100 ग्राम है, या तो सारी यूनिट को चेंज करिए या तो यूनिट सिस्टम आपका सेम रखिए बेटा, ठीक है। तो हमें चूंकि डिस्टेंस वो जो वैल्यू मिलना है वो सेंटीमीटर में ही लेना है, तो आप उसी में रहने दीजिए, अदरवाइज उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर सेंटीमीटर क्या ग्राम को किलोग्राम में बदलना, तो उस कंडीशन में आप क्या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम सीजे सिस्टम में ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कन्वर्ट होगा तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर बाद में आपको रिक्वायरमेंट फील होगा कि हमें मीटर में लेना है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले से भी कन्वर्ट कर सकते हो, मास को आप किस में ले लिए किलोग्राम में, और जो हमारी वहाँ से पोजिशन आपको दी गई है उसको मीटर में ले लीजिए, तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, मीटर में मिल जाएगा। फिलहाल जैसा भी आप करना चाहते हैं उसके लिए कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग, तो ये समझ गया बेटा, अब जैसा भी आपकी मीनिंग होगी ऐसा करना चाहेंगे आप कर लीजिएगा, हम इसी में निकाल लेते हैं, ठीक सेंटीमीटर उसमें ही। तो एम वन की वैल्यू देखो 100 ग्राम है, इसके लिए हम लोग इसको एम वन एज्यूम कर लिया बेटा, इसको एम टू ले लिया और इसको एम थ्री ले रहे हैं, इस वाले को हम लोग क्या ले रहे हैं सी पॉइंट पे जो है इसे एम थ्री ले लिया, ये भी सी पॉइंट आपका था, ठीक। तो 100 ग्राम इंटू पोजिशन वेक्टर एक्स वाला 10 है उसका, एम टू की वैल्यू आपने ले लिया 200 बेटा, पोजिशन वेक्टर इसका 0 है, एम थ्री की वैल्यू बेटा 400 लिया है आपने और पोजिशन वेक्टर इसका 20 है, अपान एम वन 100 प्लस 200 प्लस 400, ये टोटल हो गया आपका बेटा 1000, ये वैल्यू तो आ गई 0 आपके, ये वैल्यू हो गई 8000 हो गया ना, अपान 42617 वैल्यू आई आपकी 9000 अपान 700, ये तो 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आ गया 90 अपान 7, ये सेंटीमीटर में आ रहा बेटा, दिस इज द वैल्यू इन सेंटीमीटर, ये वैल्यू एक सेंटीमीटर, चूंकि हमने कन्वर्ट नहीं किया था तो हमने सेंटीमीटर में निकाल दिया, ठीक है, सेंटीमीटर में आपका आंसर आपको मिल गया, ठीक है। दूसरा केस आपका होगा ऐसे वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लो बेटा, तो वाई सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे वाई सी एम, आप डिवाइड करना चाहिए तो डिवाइड कर लीजिएगा, तो एम वन वाई वन एम टू वाई टू एम थ्री वाई थ्री बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री आपका लेना बेटा। एम वन की वैल्यू कितनी आपकी है 100 है, वाई वन देखो दिया है 10√3 प्लस एम टू की जो वैल्यू आपको गिवन है वो 200 है, वाई टू की वैल्यू भी हाँ भी देखो दोनों कोऑर्डिनेट वाइज यहाँ पे बेटा 0 0 है, ठीक है। और तीसरा हो गया एम थ्री की वैल्यू 400 है और y3 की वैल्यू हमारी क्या मिल रही बेटा, ठीक है 0 है बाई, ये हो गया 100 प्लस 200 प्लस 400। तो यहाँ से कैलकुलेट आप करेंगे तो वाई सी एम की जो वैल्यू आ जाएगी, ये देखो ये दोनों कंपोनेंट 0 0 हो गया बेटा, बचा हमारा 1000√3 अपान 700। देखो दो 0 कैंसिल बेटा, तो आ गया 10√3 अपान 7, ये हो गया सेंटीमीटर। तो वाई सेंटर ऑफ मास आ गया 10√3/7 सेंटीमीटर, एक्स सेंटर ऑफ मास आ गया 90/7 सेंटीमीटर। तो ये पोजीशन आपका हो गया एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास का, अगर इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और बार बार पूछे ही जाते बेटा, ठीक है, तो उन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, उन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे क्या होता है कैसे होता है, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और सुन लीजिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे अगला पढ़ते हैं तभी उसी समय बताते हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड है। अगला हम लोग पढ़ेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक बार इसको देख लीजिए कैसे हमने किया,
ध्यान रखिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बेटा, समझ गए हैं ना। देखो हमें क्या करना था, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। ये एक ट्रायंगल था बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, साइड सारे 20 सेंटीमीटर के थे, यहाँ पे 100 ग्राम, यहाँ 200 ग्राम, यहाँ 400 ग्राम आपको रखा गया। इसमें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोला गया एक्स एक्सिस और ये हमने लिया वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमें जब भी इस टाइप का कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास निकालना हो, पहले सभी कोऑर्डिनेट की वैल्यू को आप क्या करिए, डिटरमाइन कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे ये मान लो यह वर्जिन है, क्योंकि इधर एक्स है इधर वाई है, तो ये वर्जिन कहलाएगा। वर्जिन पे सारे कोऑर्डिनेट आपको जीरो जीरो होते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वर्जिन पे वैल्यू हमारी बेटा जीरो जीरो होती। तो ये हमने जीरो जीरो ले लिया बेटा। यहाँ पे ले रहे हो तो इधर आप राइट साइड में जा रहे हैं केवल एक्स एक्सिस में, वाई में तो गए नहीं ना। तो एक्स में गए इसकी वैल्यू हमारी 20 हो गई, वाई में गए नहीं तो वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ पे जब आपने कैलकुलेट किया तो देखो इधर से यहाँ तक ये डिस्टेंस इतनी 10 है ना, इसकी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन वाई एक्सिस में डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना, हमने आपको समझाया ऐसे, ठीक है। यहाँ से आपने कैलकुलेशन समझ लिया कैसे वाई की वैल्यू आप निकाल रहे हो। तो ऐसे निकालेंगे, ये वैल्यू हमें 20 मालूम है, ये 10 हमने डिटरमाइन कर लिया, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी बता क्या 20 का रूट 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर आपने सिंप्लीफाई किया, तो वैल्यू आपकी 10√3 आ गई। तो ये वैल्यू वर्टिकल वाला हमारा आ गया 10√3। तो यहाँ पे वाई खाली वाई हमारा इस वाले पार्टिकल के लिए आपको क्या है मिल रहा है, वाई सेंटर क्या वाई पार्टिकल की पोजिशन। तो यहाँ से आप डिटरमाइन करके निकाल लिए क्या होगा एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगली कंडीशन आपकी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए रिलेशन निकालना था बेटा। आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम वन आर वन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या हम ले लेते हैं पार्टिकल सिस्टम, मान लो आपके एन पार्टिकल है मिलके बना हुआ है, तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे डिटरमाइन करेंगे। इस कंडीशन में आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे वो चीज़ हमें यहाँ से डिस्क्राइब करनी है, ठीक। देखिए क्या होता है, मान लो डिफरेंट पार्टिकल है बेटा, उनकी वेलोसिटी वी वन वी टू वी थ्री डॉट 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 वी एन है, मासेज एम वन एम टू एम थ्री डॉट 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 एम एन है, ठीक है। अगर उनको हम लोगों के वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग निकालते कैसे है, जो हम लोगों ने पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए रिलेशन लिखा था ना, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर गिवन बाय रिलेशन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर गिवन बाय रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन जो होगा आर सेंटर ऑफ मास के लिए लिखा था बेटा एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री प्लस डॉट 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 एम एन आर एन अपान एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डॉट 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 एम एन, हो गया, ये हो गया हमारा पोजीशन। इसी को क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइप ब्रेसेट में, डिफ्रेंशिएटिंग अब अभी क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ऐसे क्वेश्चन को अगर बेटा डिफ्रेंशिएट कर, देखो पोजीशन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है पोजीशन वेक्टर को हमें वेलोसिटी देगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा डी आर सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी,
ये होगा बेटा एम वन इंटू डी आर वन अपॉन डी टी प्लस एम टू इंटू डी आर टू अपॉन डी टी, मतलब पोजीशन को बेटा हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, प्लस एम थ्री इंटू डी आर थ्री बाई डी टी प्लस डॉट 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 एम एन इंटू डी आर एन अपॉन क्या हो गया डी टी। बेटा पोजीशन चेंज हो रहा है, मास नहीं चेंज हो रहा टाइम के साथ, ठीक है, अपॉन टोटल मास एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डॉट 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 एम एन, इसी को समेशन एम भी लिख लेते हैं बेटा, इसी को समेशन एम, या अगर टोटल मास जो बांट कर के है वो कैपिटल एम हो तो कैपिटल एम के टर्म में भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, किसके टर्म में, कैपिटल एम के टर्म में भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से जब दिखाएंगे बेटा तो देखो क्या आएगा, एम वन इसको डिफरेंस करेंगे वी वन प्लस एम टू इंटू वी टू प्लस एम थ्री इंटू वी थ्री प्लस डॉट 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 एम एन इंटू वी एन बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस डॉट 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 एम एन। ये कंडीशन आपका हो गया वी सेंटर ऑफ मास, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ जो सेंटर ऑफ मास हो गया बेटा वो इसके बेस पे आपने क्या कर लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ठीक है। अब यहीं से हमें अगर एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है क्वेश्चन, हम यहीं पर लिख लेते हैं बेटा एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर जैसे कहीं वेलोसिटी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में दिया वी एक्स, तो वहाँ पे वी कैसे एम वन वी एक्स वन प्लस एम टू वी एक्स टू एम थ्री वी एक्स थ्री, तो एक बार एक्स वाला निकालिएगा, एक बार वाई वाला, एक बार जेड वाला, जैसे पोजीशन निकाला था, ठीक है। बट जनरली यहाँ पे कोऑर्डिनेट कम ही मिलता है, कोऑर्डिनेट जनरली मिलने पोजीशन के टर्म में दिया जाता है, बट अगर दिया जाएगा तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम यहाँ भी यूज़ कर लेंगे बेटा। इससे मान लो क्वेश्चन नंबर हमने सेकेंड बना लिया, इसे मान लो फर्स्ट बना लिया है, अगला होगा फिर से एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे हम फाइंड करेंगे। अगर आपको एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो देखो जरा क्या होगा। यहाँ पे जब एक्सेलेरेशन निकालना है ना, तो इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को फिर से टाइम के स्पेयर में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन सेकेंड, डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के स्पेयर में इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो आएगा ए सी एम, ए सी एम इक्वल टू, ए मतलब एक्सेलेरेशन है बेटा, इक्वल टू होगा डी बी सी एम अपान क्या डी टी, यही इक्वल टू हो जाएगा बेटा एम वन डी बी वन अपान डी टी प्लस एम टू इंटू डी बी टू अपान डी टी प्लस एम थ्री इंटू डी बी थ्री अपान डी टी प्लस डॉट 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 एम एन इंटू डी वी एन अपान डी टी बाई टोटल मास हो गया एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस डॉट 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 एम एन, इसी को हम रख लेंगे बेटा, अगर दिखेगा ना इसको हम इक्वेट करके रख लेंगे तो ये आएगा ए सी एम, देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बी अपान डी टी, ए हो जाएगा ए वन डी बी वन अपान डी टी डी बी टू अपान डी टी ए टू डी बी थ्री अपान डी टी ए थ्री डॉट 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 डी बी एन अपान डी टी, तो होगा बेटा ए एन, तो एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस एम थ्री ए थ्री अपान एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। याद रखेंगे थोड़ा सा बेटा कि जो सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, ये कैसी होती है सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो उस केस में आप अगर वहाँ पे डायरेक्शन को आप कंसीडर करेंगे, अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो डायरेक्शन के साथ वहाँ पे वेक्टर, या आपको अंडरस्टूड है कि सारी ये क्वांटिटी हमारी कैसी हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म में ही आप ऐड करेंगे, ठीक है। इसका जब भी एडिशन आप करेंगे ना तो हमेशा किस फॉर्म में करेंगे, आप वेक्टर फॉर्म में ही करेंगे, मतलब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, किसी का डायरेक्शन अगर डिफरेंट होगा तो उसको हम क्या वेक्टर रूल अप्लाई करके ही वहाँ पे क्या करेंगे, क्या ऐड या सबट्रैक्ट जो भी कंडीशन बनेगी वो करेंगे आप, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे।
ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया बेटा, एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। कितने हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इतने में? चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बात करते हैं बेटा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बेस पे हम लोग कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा फिर आगे डिस्कस करते हैं। इधर क्या है, चलिए देखिए बोला क्या जा रहा था आपको। जैसे मान लो कोई पार्ट के सिस्टम है, अब अगर मान लो उसको वेलोसिटी के बेस पे हम लोग को फाइंड करना बेटा, ठीक है। आपको वेलोसिटी के बेस पे फाइंड करना है क्या होगा कैसे होगा, तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग वेलोसिटी या सेंटर ऑफ मास की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, वो मूव कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उस कंडीशन में जब मोशन आपका होगा ना, तो अलग अलग अगर उनका डायरेक्शन सेम है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सेम हो या डिफरेंट हो, तो जो भी होगा हम ऐसे वेक्टर फॉर्म अप्लाई करके, वेक्टर रूल को अप्लाई करके ही अपना रिजल्टेंट क्या करेंगे, वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर एक जनरल का हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी पार्टिकल सिस्टम मान लो अब दो पार्टिकल से मिलकर बना है, एक का मास 500 ग्राम है, दूसरे का मास 1000 ग्राम है, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आपको एक 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है, दूसरा आपका 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जा रहा है, तो पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी। तो जो हम लोगों ने चूंकि डायरेक्शन हमने सेम लिया बेटा, जब सेम लेंगे तो दोनों को ऐड कर लेना, अगर अपोजिट लीजिएगा तो दोनों को आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो सिचुएशन आपको दिया रहेगा, सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हैं, उनके बेस पर वहाँ से हम लोग रख के बेटा वैल्यू निकालते हैं। दोनों पार्ट के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट में मूव कर रहे हैं, जनरली हमारा आइदर सेम होता है या अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम लोग सेंटर ऑफ मास वगैरह डिटरमाइन करते हैं, तो या तो सेम डायरेक्शन में आप लेते हो, या तो फिर हम लोग कैसे लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तो उसके बेस पे ही हमारा क्वेश्चन जो होता है वहाँ पे डिस्कस होता है, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो एक लिख ले लेते हैं बेटा इस पे, कि मान लो कोई भी पार्टिकल है, कोई भी आपका क्या है पार्टिकल है, ठीक है, वो कोई पार्टिकल सिस्टम है, वो दो पार्टिकल से मिलके बना, दो से भी हो सकता है, ज्यादा से भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में कम से कम दो पार्टिकल होगा तभी सिस्टम बनेगा, तभी वहां पे बाकी चीज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो हमने ये कंडीशन ले रहे, देखो हम 200 ग्राम लेते हैं, 200 ग्राम की पार्टिकल है, ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है। सेम कंडीशन आपकी दूसरी दी गई है, ये हम मान लो आपको एक चीज और यहीं पे बता दें, ये कंडीशन हमने ले, यहाँ से एंगल जो दिया गया बेटा, ये आपको मान लीजिए 30 डिग्री, 30 डिग्री पे इसका मास आपको दिया गया है 400 ग्राम, एंगल 30 डिग्री और वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक्स में है, ये एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जा रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा यहाँ से 20 डिग्री का क्या 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे फाइंड करना है, डिटरमाइन करना बेटा, ठीक है, किसकी वैल्यू, एक्स सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई, ठीक है। तो आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको निकालना है बेटा, ठीक है। तो हमने इसलिए उसको कंसीडर कर लिया कि आपको कहीं अगर एक्स वाई के टर्म में भी पूछा जाता है तो भी आप वहां से कैलकुलेट कर लीजिए, वैसे सेम डायरेक्शन में होगा तो सीधा सीधा रख देंगे, या कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सुनो देखिए, जब निकालना है हमें एक्स और वाई सेंटर ऑफ मास निकालना बेटा, ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका इधर का कंपोनेंट होगा, अगर इसे हमने वी ले लिया, इसको या तो वी वन ले लो और इसकी वैल्यू वी टू ले लिया, तो वी टू कॉस 30
30 होगा बेटा, और इसका वाई कंपोनेंट जो आएगा, या इसे वी एक्स ले लेते हैं, इसको वी एक्स ले लिया तो इसकी वैल्यू वी टू क्या हो गया, कॉस 30, और वी वाई के जो वैल्यू आएगी ये वी टू साइन 30 होगा बेटा। यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू जो बी वन है, यहाँ पे जो हमारा क्या है बी एक्स, इसको ठीक है बी एक्स वन ले लेते, इसको बी एक्स टू ले लेते हैं। इसकी जो वैल्यू हमारी है ये 10 मीटर पर सेकेंड, केवल एक्स एक्सिस में ही है, वाई एक्सिस यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड आपको दिया गया है, जबकि बी वाई वन की वैल्यू जो है वो जीरो है। बी वाई वन की वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो है। यहाँ पे ये डाटा अगर रखोगे बेटा तो बी टू की वैल्यू हमारी कितनी है, 20 है, और कास 30 की वैल्यू √3/2 होता है, तो ये हो गया 10, तो वैल्यू आ गई 10√3, बी एक्स टू की वैल्यू हमारी आ गई। और बी वाई टू की वैल्यू रखोगे बेटा 20 × sin 30 1/2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड आ गया बी वाई टू। ठीक, तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से आपने दिखा दिया। अब हमें निकालना है यक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास। यक्स सेंटर ऑफ मास और किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो करेंगे कैसे, देखो वी यक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 + m2 × v x2 / m1 + m2। m1 की वैल्यू 200 ग्राम है बेटा, वेलोसिटी अब इसको चाहे चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में लिया है तो हम लोग इसको केजी में ले लो, तो 200 ग्राम को करोगे 0.2, वैसे उसे कोई रोल नहीं होता, किसी में रखेंगे तो वैल्यू वही मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये डाटा हमारा एमकेएस यूनिट में है तो इसको भी एमकेएस में ले लेते हैं। तो 0.2 × bx1 10 + m2 की वैल्यू 400 यानी 0.4 × bx2 की वैल्यू है 10√2/0.2 + 0.4, ये वैल्यू हो गया बेटा 2, और ये वैल्यू हो गया 4√2/0.6। ठीक, वैल्यू चाहे रख दीजिए 2 + 4.141 / कितना 0.6, तो ये मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आएगा 2 + 4, 4 4 6 जा 4 1 जा 4 1 5 अपान 0.6, तो वैल्यू ऊपर हो गया आपका 7.64/0.6। ये हो गया हमारा बेटा कौन सा, वी एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। अब डिवाइड कर दो, ऊपर होगा 76.4/6, एक डेसिमल हमने हटा दिया, 6 1 जा 6 बचा आपका 16 हो जाएगा, 6 2 जा 12 बचा 4 हो गया 6, 7 जा 42 बचा आपका 2, 6 3 जा 18, इतना ले लो बेटा m/s। यक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई 12.73 m/s हो गया। वाई सेंटर ऑफ मास निकालोगे ऐसे ही, बी वाई सेंटर ऑफ मास, बी वाई सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी चूंकि निकालना है बेटा, m/by1 + m/by2/m1 + m2। देखो m की वैल्यू वही 0.2, केजी में कन्वर्ट कर लिया, वेलोसिटी ऑफ वाई सेंटर ऑफ मास जीरो है बेटा, m/by2, m2 की वैल्यू है 0.4, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में देखो आया है 10 बाई, टोटल वैल्यू हो गई 0.2 + 0.4। यहाँ से सिंपलीफाई आप करोगे तो वैल्यू आ रही है वाई बी वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई, ये तो जीरो हो गया फैक्टर, ये फैक्टर हो गया 10 यानी 4, यानी आ गया 4/, नीचे हो गया 0.6, ऊपर हो जाएगा बेटा 40/6, 6 6 जा 36 बचा आपका क्या बेटा 4। ठीक है, फिर हो जाएगा 40 डेसिमल लगाएंगे 6.67 m/s, तो वाई सेंटर ऑफ मास आ गया 6.67 m/s, यक्स सेंटर ऑफ मास आ गया बेटा 12.73 m/s। इस तरह से जो भी क्वेश्चन यहाँ से हमारे रहेंगे बेटा, ठीक है, वेलोसिटी ऐसे एक्सीलरेशन कहीं आपको फाइंड करना, तो वो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो हमारे सेंटर ऑफ मास की कंडीशन आपके हो गए बेटा, सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास, इसमें हमने क्वेश्चन भी करा दिया, और पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलिए तो बाकी हम लोग बेटा कल करेंगे, इतना आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास आपका हो गया, बेसिकली जो पूछी जाती है आपको बता दी गई सारी चीजें। अब आपको हमें निकालना है बेटा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे, फिर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो कल आपका डिस्कस होगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा सा बुकों में देख लीजिएगा, मैथमेटिकल थोड़ा पोर्शन ही आता है, तो ध्यान से एक बार देखे रहेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन रेगुलरली करते रहिए, ठीक, बाकी कल करते हैं, चलिए ठीक, ओके बेटा।